तो अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि इस साल 2022 में मैंने सिर्फ 7 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करी, इसी चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और उन 7 वीडियो से मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया। अगर बात करें 5.8 मिलियन व्यूज, 236,236,000 वॉच आवर्स, उसके बाद सब्सक्राइबर्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप लोग देख सकते हो। तो आपको भी कुछ ऐसा ही फायदा मिलेगा अगर आप सही से कीवर्ड रिसर्च करते हो और उन कीवर्ड्स को अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर सही से इंप्लीमेंट करते हो, डालते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, आप चाहे कम वीडियोस बनाओ या फिर ज़्यादा वीडियोस बनाओ, लेकिन आपकी वीडियो रैंक करेगी और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें अच्छे व्यूज़ आएंगे। मतलब भले अभी व्यूज़ कम आए, 200-300 व्यूज़ आए या 1000 व्यूज़ आए, लेकिन आगे जाके आज से एक साल बाद या फिर कुछ साल बाद उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे और वो आपको टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा। तो ऐसी मेरी वीडियोज़ में भी है, मेरी पुरानी वीडियोज़ से मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, चाहे भले अभी मैं कम वीडियोज़ अपलोड करूँ, बट मेरी जो पुरानी वीडियोज़ है ऑलरेडी रैंक हो रखी है, वहाँ से मेरे को व्यूज़ आते हैं, वहाँ से मेरे को रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। तो आपको कैसे ये चीज़ करनी है, कैसे आपको अपनी हर वीडियो के लिए अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करनी है अपने स्मार्टफोन की हेल्प से, चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस हो या फिर एक iOS डिवाइस हो, कैसे कर सकते हो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अपना सबसे पहला स्टेप आता है सिंपल चीज करनी, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्ले स्टोर का और ऐप स्टोर का, जहां से आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसका नाम है vidIQ। इसको एक बार इंस्टॉल कर लिया आपने, एक बार आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, अपने गूगल अकाउंट जो यूट्यूब अकाउंट है उससे अटैच करना है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, यूट्यूब सर्टिफाइड है, तो कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं ऑलरेडी, मैंने भी कर रखा है। ट्यूबबडी एंड vidIQ दोनों बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, पर मैं पर्सनली vidIQ यूज़ करता हूँ। तो एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा, इसमें तो कुछ ऐसा टैब आएगा जिसमें आपको नीचे डैशबोर्ड नजर आएगा, डेली आइडियाज आएंगे, रिसर्च, ऑप्टिमाइज मोर और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपके लिए, लेकिन टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में। बाकी मैं इसके ऊपर आपके लिए और कॉन्टेंट बनाऊंगा, टाइम के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, आप बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पे आना, आपको सीधे कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे इस वीडियो पर। रिसर्च टैब है, यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आपके पास कोई कीवर्ड होगा अगर, तो आप डाल सकते हो सर्च कीवर्ड्स का जो ऊपर टैब है, इसके अंदर हम लोग एक कीवर्ड डाल के देखेंगे एग्जांपल के लिए, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा हमें किन किन और कौन कौन से कीवर्ड्स मिल सकते हैं जो हमारे कीवर्ड से बेटर हो, आप लोग अभी समझ जाओ। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लेके चले, ये मेरे पास एक आईफोन 13 प्रो है और मुझे इसके ऊपर कंटेंट बनाना है, मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है, एक दो वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, वीडियो के अंदर ऐसी क्या चीज़ें इंक्लूड करूँ जो लोगों को पसंद है, और ऐसे क्या कीवर्ड्स यूज़ करूँ जो वीडियो अच्छी जगह से रैंक करें और उसमें मेरे को व्यूज़ भी अच्छे खासे मिले। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है आईफोन 13 प्रो, मैं यहाँ पर लिखूंगा आईफोन 13 प्रो एक बार के लिए। अब जानते हैं ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ओवरव्यू के तीन टैब है, ओवरव्यू, रिलेटेड कीवर्ड्स और ट्रेंडिंग वीडियोस। अपने ओवरव्यू इसकी इस जो मैंने कीवर्ड डाला है इसके ऊपर चीज़ें पता चल जाएंगी, ओवरव्यू के अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हमें मेन चीज़ पता चलेगी जो हमें कंटेंट आइडियाज भी मिलेंगे और कीवर्ड्स भी मिलेंगे। आईफोन 13 प्रो रिव्यू, आईफोन 13 प्रो कैमरा, ठीक है, रिव्यू कैमरा के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आईफोन 13 प्रो वर्सेज करके, तो आईफोन 13 प्रो वर्सेज 12 मिल सकता है, तो आईफोन 13 प्रो अनबॉक्सिंग, आईफोन 13 प्रो मैक्स टिप्स, आईफोन 13 प्रो टिप्स, iPhone 13 Pro Max फीचर्स, बैटरी लाइफ, कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्ट, फुल रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ और इन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकता हूँ। कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, तो मैंने कीवर्ड पिक किए, इसको अपने टाइटल में रखा जो मेरा मेन कीवर्ड है, जैसे मैंने बना रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स कैमरा रिव्यू, उसको मैंने अपने टाइटल में लिखा, डिस्क्रिप्शन पे लिखा, टैग्स में लिखा, और हो सके तो कुछ रिलेटेड उसका स्टोरी बना के थंबनेल में भी लिखा। तो ऐसे करके मैंने पूरे अपना कंटेंट तैयार कर दिया और वो कंटेंट फिर इन फ्यूचर अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो इन फ्यूचर उस कीवर्ड पर रैंक कर जाएगा। कहां पर रैंक कर जाएगा, आईफोन 13 प्रो कैमरा रिव्यू। अगर हम लोग देखें आईफोन 13 प्रो कैमरा, ये हमारा कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये वॉल्यूम भी 45 है, तो ये चीज भी नजर आ जाएगी हमें कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, वॉल्यूम आउट ऑफ 0-100 के बीच में कहां पर है, कंपटीशन कहां पर है, हाई लो और मीडियम इनमें कहां पर है, हाई कंपटीशन है, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट बना रखा है लोगों ने, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इस पर कंटेंट बना रखा होगा। तो इससे मैं ये चीज भी समझ सकता हूं कि मुझे इस पर कंटेंट बनाना चाहिए, मेरा छोटा चैनल है तो बनाऊं कि ना बनाऊं, या फिर वॉल्यूम के हिसाब से मैं सोच सकता हूँ, और कौन कौन से चैनल ने इस पर ऑलरेडी कंटेंट बना रखा है ये भी नजर आ रहा है मुझे। तो ऐसे हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कुछ और भी सर्च करना चाहते हो, जैसे एक और चीज़ सर्च कर लेते हैं, हाउ टू मेक मनी, अब यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर जाऊँगा, रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर ही मुझे और चीज़ सजेस्ट कर रहा है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब विदाउट मेकिंग वीडियो, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं कंटेंट रिसर्च, अपना कंटेंट रिसर्च हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, मुझे यहाँ से कंटेंट के आइडिया भी मिलते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को मैं यूज़ भी करता हूँ फिर बाद में। तो ये बेनिफिट हो जाता है मुझे यहाँ से vidIQ से, बहुत सही बेनिफिट हो जाता है, इससे मेरी वीडियो और बेटर तरीके से रैंक करती है, और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और देखा जाए तो और ज़्यादा रेवेन्यू भी आता है। तो आपको इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है अगर आप स्मार्टफोन से करना चाहते हो, तो यही बेस्ट तरीका है vidIQ की हेल्प से आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, और vidIQ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये हमारा तरीका, ये हमारी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।